भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत समेत 14 लोग हेलीकॉप्टर में थे सवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में कल देंगे बयान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2024 तक बढ़ाने का लिया निर्णय। नदियों को जोड़ने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को भी मिली मंजूरी। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने सभी नशा मुक्ति केंद्रों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में अगले 15 दिनों में तैयार होगी रूपरेखा। और हर घर दस्तक अभियान के तहत सिरसा जिले में घर घर जाकर किया जा रहा है बचे हुए पात्र लोगों का टीकाकरण। स्थानीय निवासियों ने सरकार की पहल का किया स्वागत। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास आज भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर MI-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत व उनकी पत्नी सहित 14 लोग सवार थे। अब से कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके CDS बिपिन रावत सहित 13 लोगों के निधन की पुष्टि की। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री हेलीकॉप्टर क्रैश मामले पर कल संसद में बयान देंगे। आज शाम 6:30 बजे सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुर्घटना पर शोक जताया। उन्होंने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका अभी इलाज चल रहा है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 2,17,000 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसके अलावा नदियों को जोड़ने वाली 44,605 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना योजना को भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच भी है कि जिसके माध्यम से देश के गरीबों को पक्का मकान देने की सुविधा दी जाए, और जिसका 2016 में जब शुरुआत की गई तभी आंकलन किया गया था कि लगभग 2,95,00,000 लोगों को पक्के मकान की आवश्यकता है, और जिसकी स्वीकृति भी दी गई थी, जिसमें से अब तक नवंबर 2021 तक 1,65,000 आवास, 1,65,00,000 आवास बनाकर दिए जा चुके हैं, और सभी जो पात्र परिवार थे उनको इसके पैसे का भी दिया गया है। जो बाकी शेष बचे हुए परिवार हैं वो भी अपने पक्के मकान बना सके, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई में भारतीय नौसेना की 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है। ये पुरस्कार अपने विशिष्ट सेवा के लिए एक दुर्लभ सम्मान है। वेसल स्क्वाड्रन ने 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों को ध्वस्त कर दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय नौसेना के कार्यों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना ने देश की रक्षा के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। At the forefront to render assistance to the people during humanitarian crisis or natural disasters within the country and beyond. The Navy played a critical role in repatriation of Indian citizens during COVID-19 and rescue operations during Cyclone Tauktae. Your extraordinary efforts in hazardous sea conditions have brought relief and solace to many fellow citizens and their families.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। मैं इस दिवस पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करता हूँ। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के लोगों की नशे की आदत छुड़वाने के लिए सभी जिलों में पुनर्वास केंद्रों और नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। ये मानक संचालन प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक की देखरेख में तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना, निर्धारित बिस्तरों की संख्या, स्टाफ की तैनाती, नशा छुड़वाने से संबंधित दवाइयों इत्यादि के लिए मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन की एक ऐप विकसित की जा रही है ताकि एक ही पर्ची पर नशीली दवाइयों को युवा बार बार न खरीद सके। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में संचालित निजी नशा मुक्ति केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को संगठित कर लोगों की नशे की आदत छुड़वाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए एक प्राथमिक योजना पर काम किया जाएगा ताकि नशे को समाप्त किया जा सके। सिरसा जिले में हर घर दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिंग क्षेत्र के गांव शेरपुरा में घर घर जाकर लोगों का कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। गांव शेरपुरा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रभारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन्होंने कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक लगवा ली है और दूसरी खुराक नहीं लगवाई है उन्हें भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फर्स्ट वैक्सीनेशन जो कि 80+ हो चुका है और हम हर घर दस्तक के तहत घर घर जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम है हर घर में जा रही है और जो टीका नहीं लगवा रहे हम उनको भी प्रेरित कर रहे हैं और लगभग हमारे पूरे गांव में शेरपुरा के अंडर जो 3 गांव हैं इस 80% से ऊपर कवरेज हो चुकी है हमारी, और जो टीका नहीं लगवा रहा है हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं और लोग लगवा भी रहे हैं। गांव शेरपुरा के लोगों ने कहा कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। जो लोग चल फिर नहीं सकते या स्वास्थ्य केंद्रों तक नहीं जा सकते उनके लिए ये अभियान काफी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि घर पर ही कोरोना रोधी टीका लगने से उन्हें काफी सुविधा हुई और उनका समय भी बचा है। बहुत ही बढ़िया निर्णय है ये सरकार का जो वैक्सीन लगा रहे हैं। घर घर आकर डॉक्टर और हमारे गाँव के जो नर्स है बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, सभी को लगवानी चाहिए क्योंकि कोई नुकसान नहीं है इसमें। पहला टीका लगवा लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लगवा लिया जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है जी। मैंने तो लगवा लिया, सभी लगवाओ, इससे सभी को लगाना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, घर घर जो डॉक्टर आके लगा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। मतलब हमारे घर भी आए थे और हमें कहा था लगवाने के लिए, इसलिए हम दोबारा आ जाए हैं। नहीं नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। नारनौल के नगर परिषद प्रांगण में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आज अंत्योदय मेला आयोजित किया गया। इस मेले में विभिन्न विभागों की लगभग 20 स्टॉल लगाई गई जिनमें 100 से अधिक लोगों ने आकर अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से जानकारी हासिल की। जिला नगर आयुक्त ने बताया कि मेले का आयोजन उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिन लोगों की आय 1,80,000 से कम है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि बैंक से ऋण लेकर वे अपना कोई काम शुरू कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उनकी आमदनी 1,80,000 रुपए सालाना से कम है तो उनको ये लाभ दिया जाएगा कि बैंक से लोन लेकर के या हमारे जो विभिन्न विभाग हैं उनकी स्कीम के तहत जो भी वो लोन लेना चाहें उनको समझ लें, चाहे वो पशुपालन के लिए, बकरी पालन के लिए, चाहे वो मत्स्य पालन के लिए या कोई किराने की दुकान है, इस तरह का मतलब जो जो भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है उसके ऊपर कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसके ऊपर कितना फ़ायदा उनको हो सकता है, उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। मेले में आए लोगों ने कहा कि उन्हें यहां आकर काफी जानकारियां मिली हैं और एक ही जगह पर उन्हें सब सुविधा प्राप्त हुई, इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। लोन की वजह से आई हूं लोन लेने के लिए। सर, जो सरकार ने योजना ये खोली है तो बहुत अच्छी है, खोली है कि भाई गरीब लोगों का वो हो जाए
और मेरे को ये योजना बहुत अच्छी लगी है। मैं सिलाई के लिए लोन लेने के लिए आई हूँ यहाँ और अपना उद्योग बढ़ाना चाहती हूँ मुझे। और यहाँ नगर परिषद में यार से उत्थान मेला लगा हुआ है तो यहाँ लोन के लिए मैं भी आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ पास होगा मेरा लोन। अच्छा लगा यहाँ के, अच्छा लगा। गीता महोत्सव को लेकर आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग, लेखन, भाषण व संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को कुरुक्षेत्र में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को गीता के उपदेशों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ब्लॉक स्तर पर कराई गई थी, इसके बाद सभी ब्लॉकों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो बच्चे आए थे, आज उनका जिला स्तर पर ये प्रतियोगिता कराई गई है। इसके बाद राज्य स्तर पर कुरुक्षेत्र में 14 तारीख को होने वाली प्रतियोगिता में जो बच्चे आज की इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे, वे सभी बच्चे कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलावलपुर की अध्यापिका ने बताया कि छात्राओं ने श्री कृष्ण व अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में किए गए संवाद का चित्रण किया। ये अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ने के लिए, गीता है हमारा धर्म ग्रंथ है और कर्म के लिए एक बहुत उपयोगी ग्रंथ है कि कर्म कैसे करने चाहिए, हम शुभ कर्म करने चाहिए, तो वही संदेश गीता के माध्यम से दिया गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जीवन में गीता का अध्ययन अवश्य करें और गीता में दिए गए उपदेशों को जीवन में उतारें और आदर्श जीवन व्यतीत करें। गीता जयंती महोत्सव के इस पावन अवसर पर आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इंसान को अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए और गीता में जैसे बताया गया है कि कर्म, कि मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए, अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में गीता है, उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि, कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उसके बारे में उन्हें समझाया है, यदा यदा ही धर्मस्य या निर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब भी धरती पर कोई अन्याय या धर्म की हानि होगी तो वह अनेक रूप में जन्म लेंगे और धर्म की जीत कराएंगे। ये गीता का प्रमुख श्लोकों में से एक श्लोक है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोग हेलीकॉप्टर में थे सवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में कल देंगे बयान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2024 तक बढ़ाने का लिया निर्णय। नदियों को जोड़ने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को भी मिली मंजूरी। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने सभी नशा मुक्ति केंद्रों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में अगले 15 दिनों में तैयार होगी रूपरेखा। और हर घर दस्तक अभियान के तहत सिरसा जिले में घर घर जाकर किया जा रहा है बचे हुए पात्र लोगों का टीकाकरण। स्थानीय निवासियों ने सरकार की पहल का किया स्वागत। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।